हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बहुत मौसम सर्द मौसम है, ठंडा मौसम है, बहुत सी लाइक विजिबिलिटी भी जीरो हो रही है, फॉग बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आप अपने चार्ट को ज़रूर रीड करिए। देखिए, हम कभी-कभी मुझसे बहुत से लोग कंसल्ट करते हैं तो वो कहते हैं अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली हमारे क्या ऐसी दशा आई है जिस करके हमें प्रॉब्लम्स फेस करना हमने शुरू कर दिया है। तो जब आई व्हेन आई गो थ्रू द चार्ट्स, मैं देखती हूँ जहाँ अगर उनके जुपिटर उनका रेट्रोग्रेड है, जुपिटर उनका वीक पड़ जाता है, उसका असर ऑब्वियसली हमारे ऊपर ऐसा पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, उसके उसके क्या फर्क पड़ता है कि हम बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमारे कार्य में भी डिले हो जाती है। जुपिटर इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट, इट गिव्स ब्लेसिंग्स। वो आपको जहाँ उसको देखेगा, वो आपको हमेशा चाहे जो भी पोजिशन में हो, आपको वो ब्लेसिंग्स देगा, आपके कार्य को बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आप देखोगे कि चाहे आपकी जैसी भी अर्निंग है, आप जो भी कार्य कर रहे हो, अगर गुरु आपके सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट करता है, सेकेंड हाउस इज अबाउट योर बैंक बैलेंस, आपका मनी अक्यूमुलेशन, जब भी वो उसको एस्पेक्ट करेगा, आप देखोगे कि आपको कभी भी धन की कमी इस लाइफ में नहीं होगी। ये तो 101% है कि आपकी चाहे जैसी भी अर्निंग हो, आपका चाहे जो भी कार्य हो, लेकिन आप उसको जमा करने में सफल होगे, खर्चोगे। अगर आपके कोई प्लैनेट उससे रिलेटेड ऐसा है कि आपको खर्चे बहुत करवाता है, ठीक है, खर्चे करवाएगा, लेकिन साथ में वो मनी के ऐसे आपके आपको माइंड में आपके डाल देगा कि आप उसको जोड़ना भी शुरू करोगे, चाहे जैसे भी जोड़ो, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके हाउस में, आपके चार्ट में कहीं भी गुरु एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, रेट्रोग्रेड है, कमजोर है, रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, जरूरी नहीं कि हमने पुखराज धारण करना है। बहुत से लोगों कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते पुखराज, हमको पंडित जी कहते हैं हम पहने ना पहने, कोई जरूरत नहीं है, मत पहनिए। मैं स्टोन्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती हूँ क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होता है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो आपने करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ थर्सडेज को आप जितना मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप चलते फिरते खाते पीते जैसे भी हो, इन मंत्रों का उच्चारण करिए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एंड पायस है, ये आपको रिजल्ट्स जरूर देंगे, ये हो ही नहीं सकता कि ना दे। दूसरा, आप सुबह सुबह थर्सडे वाले दिन जल में चुटकी हल्दी डाल के, एक चम्मच चने की दाल डाल के, केले के पेड़ जो कि मंदिर में हो, मंदिर के बाहर हो, वहां पे चढ़ा के आइए और विष्णु जी से प्रार्थना करिए कि आपके सारे संकट दूर हो जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये दो आपने काम करने हैं। दूसरा, तीसरा, शाम के वक्त आपने तुलसी जी पे देसी घी का दिया जरूर जलाना है और उसमें भी आपने एक चुटकी हल्दी डाल के जलाना है। ये अगर आपने अपने नियम में बना लिया, मतलब इसको आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, एवरी थर्सडे करना है। देखिए, किसी चीज़ को पाने के लिए हम बैठे बैठे हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमने उस काम को करने के लिए उस चीज़ को पकड़ना पड़ता है कि कहाँ वीकनेस है, ठीक है। तो आपने ये तीन चीज अगर आपने अपने दिन में एवरी थर्सडे कर लिया, आप देखोगे, आप अगर आपका स्टेटस यहाँ है, आपका स्टेटस ऐसा हो जाएगा, चाहे आपकी जो भी नौकरी हो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप ये करिएगा और करके उसके बाद आप मुझको बताइएगा कि आपको कितने बेनिफिट हो रहा है। और ये आप देखोगे आपको महीने के अंदर इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप देखो कि महीने के अंदर आपके जो प्लैनेट्स हैं वो बिखरने शुरू हो गए, एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। आप करिए और उसके बाद
आप मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते ज़रूर हैं, दे गिव मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर कि मैम आपने मुझे ऐसा बताया तो ऐसा फ़र्क पड़ा है, एंड आई फील सो प्राउड कि चलो किसी को फ़र्क पड़ा। एवरी टाइम आई डोंट वांट टू लाइक डिस्प्ले कि उनके मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस होते हैं, हर एक इंसान पसंद नहीं करता है। बहुत से जो वीडियोज़ बनाते हैं वो शेयर करते हैं, अपने क्लाइंट्स के कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, बट मैं हर समय नहीं शेयर करना चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक उसको थोड़ा सा हिडन भी होना चाहिए, हर चीज़ को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। कोई इंसान मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहा है और मैं उसी की चीज़ें डिस्प्ले करूँ, सो दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। चलो एनी हाउ, आप ये काम ज़रूर करिएगा, आपको फल मिलेगा। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।